ਵਧਣ ਸੁਨੇਰੀ ਵੱਧ ਸੜ ਸੁਣ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਵੱਧ ਸੜ ਸੁਣ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਵੇ ਸੋਣਾ ਵੇ ਸੋਣਾ ਬੋਸ ਕੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਚੋਲਾ वेलकम टू खबेकी लेक। टीडीसीपी का रिजॉर्ट है यहाँ पे सोन वैली में और आप मेरे साथ इस बोट पे मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपको ब्रीफ कर दूँ कि आप खबेकी लेक पे हैं। इसकी गहराई 35 फुट है और इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर है। आर्ट्स काउंसिल के ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनके लिए तालियां बजा दें। इन्होंने हमें पार्टिसिपेट किया, ज्वाइन किया है। तो शुक्रिया अदा करूँगा TDCP का कि उन्होंने हमें एक मौका दिया यहाँ पे आने का, विज़िट करने का, और जो अरेंजमेंट्स किए हैं दे आर रियली वंडरफुल। हमने एवरी मोमेंट एंजॉय किया। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा तारिक हियर। आई एम राइट नाउ स्टैंडिंग एट खबेकी लेक रिजॉर्ट और आई एम वेरी मच ग्लैड टू सी द अरेंजमेंट्स बाय TDCP। यहाँ पे इतना हम लोगों ने एंजॉय किया है थ्रू आउट द मॉर्निंग टाइम और इस टाइम तक हम अभी जो है जेटी बोट के एडवेंचर एक ट्राई करके आ रही हूँ एंड दैट वॉज टू गुड टू ऑसम। फर्स्ट टाइम हमने जो है गवर्नमेंट ऐसे टूर में पार्टिसिपेट किया और बियॉन्ड परफेक्शन है ये। हम ये इमेजिन भी नहीं कर रहे थे कि इस तरह की जो सहूलतें और ये इस हिसाब से जो है हमें यहाँ पे मिलेगा। ज़बरदस्त है सब कुछ, आप लोग भी लाजमन आए, बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत इंजॉय किया हमने। TDCP के ये सोन गाला में मैं आया हूँ। मैंने बहुत से टूर्स किए हैं लेकिन इतने इकोनॉमिकल प्राइस में और इतनी बेहतरीन फैसिलिटी के साथ जो TDCP करवा रहे हैं, मैं कहता हूँ आप अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से थोड़ा सा टाइम निकालें और अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ऐसे टूर्स में लाजमी है। सोन वैली में आके हमने हर लम्हा इंजॉय किया। जो मतलब बहुत ज़्यादा इनका खाने का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा, इनकी एंटरटेनमेंट हर चीज़ बहुत ही अच्छी। Thank you.
इतने कम पैसों में इतना अच्छा टूर शायद ही मैंने अपनी लाइफ में देखा होगा। और इनकी एफर्ट देखी है, काम देखा है, हर चीज़ हर टाइम पे जो इन्होंने जहाँ कमिट की उसी टाइम पे उसको मिली। आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग के इतने कम पैसों में और इतनी इकोनॉमिकल उस पैकेज में इतनी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। लिटरली वॉट यू कुड से इज माइंड बॉगलिंग। इट्स रियली एंड आई रियली अप्रिशिएट देयर हॉस्पिटैलिटी एंड द एटीट्यूड ऑफ द स्टाफ एंड द फ्रेंडली एनवायरनमेंट। जस्ट फीलिंग लाइक आई एम एट होम। ये फिजा में बिखरते हुए आतिश पारे, ये रात ये बदलती रुत ये दमकते तारे, ये महफिल ये समा ये मिलन के नज़ारे, सदा सलामत रहे ये लोग प्यारे प्यारे। ये टूर मैं कहती हूँ माइंड ब्लोइंग। पता है इसका ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं जाते, लेकिन होता है कि अभी मुझे फील हो रहा है कि जैसे मैं एक 18 साल की बच्ची हूँ और मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। फैमिली के साथ तो हम लोग एंजॉय करते ही करते हैं, लेकिन इस तरह एंजॉय करना बहुत ही मुझे मेरा गुड एक्सपीरियंस है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और आई मस्ट से दिस इज़ अ हिडन जेम। दिस प्लेस सो वेल कनेक्टेड टू लाहौर थ्रू मोटरवे। TDCP ने एक बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर काम किया पिछले 3-4 साल के अंदर। फ्रॉम नो वेयर उन्होंने इतना इन लेक्स को डेवलप किया है। यहाँ पे अकोमोडेशन फैसिलिटीज़, लॉजिस्टिक्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फूड इज़ A+। इट्स अ गुड फैमिली प्लेस फॉर टू विजिट और आई थिंक गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट्स बेस्ट।